दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक डेंजरस 5 सड़कों के बारे में। ऐसी डेंजरस सड़कें जहां पर ड्राइविंग करना आसान नहीं है, क्योंकि ड्राइविंग को हर पल अपनी जान को लेकर हथेली पर रखकर चलना पड़ता है, लेकिन इन सड़कों पर लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 5, हाईवे थ्रू बिल्डिंग। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा हाईवे है जो बिल्डिंग के बीच से होकर गुजरता है, और इस बिल्डिंग के ऊपर नीचे लोग रहते भी हैं। इसे देखने से किसी साइंस फिक्शन मूवी की बिल्डिंग जैसा लगता है। दरअसल जापान की सरकार को ये हाईवे बनाना था, लेकिन इस बिल्डिंग के मालिक ने अपनी जमीन देने से सरकार को मना कर दिया, इसलिए इस हाईवे को बिल्डिंग के बीच से बनाया गया है। हाईवे इस बिल्डिंग के 5 और 7 मंजिल से होकर गुजरती है, और हैरानी की बात तो ये है कि ये किसी सरकार इस मकान मालिक को 5 और 7 मंजिल का किराया भी देती है। नंबर 4, इफिका कैरी ऑन रोड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की इफिका कैरी ऑन दुनिया के सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है। कहा जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस के बिना इस सड़क पर ड्राइविंग ना करे तो बेहतर ही होगा। दरअसल इस सड़क पर हर वो खतरा मौजूद है जो जानलेवा साबित हो सकती है। कहीं अंधा मोड़ है तो कहीं खाई, कहीं सड़क टूटी हुई है तो कहीं एकदम सकरी। ऐसे में मामूली एक्सीडेंट भी कोई शख्स बुरी तरह से घायल भी हो सकता है, और इलाज में काफी खर्चे उठाने पड़ सकते हैं। इस रोड की लंबाई 6.5 किलोमीटर है, लेकिन हर कदम पर खतरा बना रहता है। इतना ही नहीं, इस रोड पर ऐसी भी जगह है जहां 2 गाड़ियां आर पार नहीं जा सकती। ऐसे में उन्हें अपनी गाड़ियों को पीछे करना पड़ता है। हालांकि पीछे करने के दौरान भी एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। एल कैमिनेटो डेल रे स्पेन। इस रास्ते को देखिए, कितना डरावना है। इस रास्ते को एक बार आप खुद को अनुभव करिए। दोस्तों ये रास्ता 110 साल पुराना है। उस जमाने में सन 1905 में इस इलाके की अलग अलग पहाड़ियों पर 2 पावर प्लांट चला करते थे। उन दोनों पावर प्लांट को जोड़ने के लिए ये खतरनाक रास्ता बनाया गया था। ये रास्ता मात्र मजदूरों के आने जाने के लिए बनाया गया है। आज वो पावर प्लांट तो बंद हो गया, पर ये खतरनाक रास्ता अभी भी मौजूद है, जहां रोजाना बहुत से पर्यटक आते हैं। सन 2000 में ये घूमने आए तो ये है कि गहरी खाई में गिर गए, जिसके बाद इस रास्ते को बंद कर दिया गया। नंबर 2, राइटिंग रिवर ब्रिज। दोस्तों हाइबेरिया के ये ब्रिज दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिजों में से एक है। जमीन से लगभग 15 मीटर की ऊंचाई पर बने इस ब्रिज पर चलते हुए लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुराने ब्रिज हैं। इस ब्रिज को बनाने में जिन लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, इसलिए इस ब्रिज में चलते वक्त हमेशा जान का खतरा बना रहता है। कमजोर लोग इस ब्रिज पर ना ही चले तो बेहतर ही होगा। काफी पतले ट्रक होने की वजह से हमेशा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो आप पानी में गिर सकते हैं। नंबर 1, लक्सर एल हरगड़ा रोड इजिट। ये सड़क ऐतिहासिक शहर लक्सर और लाल सागर के बीच बनी है। हरगढ़ क्षेत्र में कोई भी कार लेकर इस सड़क से गुजरने की कोई भी सलाह नहीं देता है। दरअसल इस रोड पर कई क्रिमिनल और आतंकवादियों की भी नजर रहती है, जो रातों में गुजरने वाली गाड़ियों पर अटैक कर देते हैं। वहीं सड़क भी काफी खराब है, इसकी वजह से रातों में एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। ऐसे में अगर आप इस सड़क पर रात में ड्राइविंग करते हैं तो हाईवे नाइट विजन गॉगल की जरूरत होती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट में बताइए कौन सा सड़क सबसे डेंजरस लगा। तब तक के लिए बाय।